नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगामी पर्व त्योहार को लेकर बैठकों का दौर जारी, प्रशासनिक अधिकारी गाइडलाइन से करा रहे अवगत। विधायक के विवादित बयान के बाद निकाली गई सद्बुद्धि यात्रा, लोगों ने फतेह बहादुर को माफी मांगने का दिया अल्टीमेटम। दिवाली में पटाखा का लाइसेंस नहीं मिलने से कारोबारी परेशान, फुटकर विक्रेता एसडीओ कार्यालय का लगा रहे चक्कर। जबरदस्ती चंदा मांगने वालों पर दर्ज होगा एफआईआर, दुकानदार ने पुलिस से की शिकायत। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर गरमाई सियासत। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर जिले के नाथनगर स्थित अति प्राचीन बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में आगामी त्योहार दीपावली, काली पूजा और छठ पूजा शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के बैनर तले बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने की। इस मौके पर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, पुलिस लाइन डीएसपी संजीव कुमार, नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान, ललमटिया ओपी प्रभारी हरेंद्र कुमार, मधुसूदनपुर ओपी के एसआई आदर्श कुंदन भी मौजूद रहे। वही बैठक के दौरान सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने कहा कि सभी मेयरपतियों को आगामी त्योहार काली पूजा को लेकर लाइसेंस लेना अनिवार्य है और लाइसेंस में दिए गए समय और नियमों का हर संभव पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे पर पूर्णतः बैन रहेगा, साथ ही नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वही भागलपुर के सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि विसर्जन यात्रा में सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है, जबकि विसर्जन जुलूस की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। सादे लिबास में भी पुलिस बल इलाके में भ्रमणशील रहेंगे। उन्होंने लोगों से शांति और सौहार्द वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही पुलिस लाइन डीएसपी संजीव कुमार ने कहा कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। पूजा पंडाल एवं विसर्जन जुलूस में अर्धसैनिक बलों की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। मौके पर नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, महामंत्री देवाशीष बैनर्जी, भवेश यादव, नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष जियाउर रहमान, अमरकांत मंडल समेत सभी मेड़पति, पूजा समिति और शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। इधर सदर एसडीओ कार्यालय सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूजा समिति, शांति समिति, तातारपुर नौजवान अंजुमन कमेटी सहित विभिन्न समिति से जुड़े पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान सदर एसडीओ धनंजय कुमार, मजिस्ट्रेट अनु कुमारी, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी और ट्रैफिक डीएसपी आशीष सिंह ने शांति समिति से जुड़े सदस्यों को प्रशासनिक गाइडलाइन से अवगत कराया, साथ ही विधि व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की बात कही। देखिए, जो काली पूजा को लेके जो शांति समिति की बैठक की जाती है, आज वही एक बैठक था और जो भी यहाँ पे शांति समिति के सदस्यों के द्वारा और विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं या जो कमियां बताई गई है उस पे हम लोग काम करेंगे। साथ ही साथ उनको दिशा निर्देश दिया गया है कि विसर्जन शोभा यात्रा का जो समय निर्धारित किया जाएगा उसी समय में सारा विसर्जन करें और शांतिपूर्वक सभी चीजों का निर्वहन करें और हम लोग को उम्मीद है कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो। देखिए, शहर वासियों के लिए वही है कि एक तो उनको दीपावली और काली पूजा और छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली है और आपको पता है कि केवल ग्रीन पटाखे भागलपुर में अलाउड है, तो उनसे रिक्वेस्ट होगा जो भी पटाखा फोड़े पहले तो सेफ्टी के साथ जलाए और जो भी ग्रीन पटाखा हो केवल उसी का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ छठ में बहुत ज्यादा डूबने की खबर भी आती है, तो जब छठ मनाने जाए तो इसका विशेष ध्यान रखें कि कोई भी बच्चे वगैरह ज्यादा गहरे पानी में न। बैठक में हर त्योहार की तरह जो विधि व्यवस्था है, शांति है, सुरक्षा है, भीड़ नियंत्रण है, आपदा है, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करते हैं और कैसे है पिछले बार की तरह या पिछले बार से बेहतर हम कैसे कर सके इस पे चर्चा होती है। आज भी शांति समिति की बैठक की गई थी जिसमें इन लोगों को निर्देश दिया गया कि लाइसेंस जो भी है वो समय पे
पिकअप करें, समर्पित करें और लाइसेंस की जो शर्तें हैं उसका अनुपालन करें, चाहे वो घातक हथियार हो या फिर डीजे हो या फिर जो रूट लाइनिंग है, जो समय है मूर्ति उठाने का, विसर्जन करने का, उसका जो डिसिप्लिन है, टाइम डिसिप्लिन, उसका अनुपालन हो। साथ ही जो फोर्स की जो तैनाती होनी है, क्यूआरटी बनाई जाएंगी, सैन्य दल और टाइगर मोबाइल का गठन होना है। साथ में जो भी ज्वाइंट ऑर्डर में जो डेपुटेशन पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं संवेदनशील स्थानों का या धार्मिक स्थलों का, पूजा पंडाल का, उन सभी पे जो फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती होनी है उस पर चर्चा हुई है। इसके अलावा जो हमें बाहर से जो फोर्स मिलेंगे उसको किस तरह से हम लोग क्यूआरटी में, उसमें भी हम लोगों ने इस पर ब्रीफ किया है, उसमें भी काम हो रहा है। साथ में हमने ये बताया है कि जो भी पूजा पंडाल है उसकी निगरानी, वीडियोग्राफी और उसके सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे, उसके माध्यम से किया जाएगा। ICCC के द्वारा 1800-1900 कैमरा लगाया गया, उसके माध्यम से भी किया जाएगा। इसके अलावा जो ड्रोन कैमरा है उसके माध्यम से भी इसकी निगरानी हम लोग करेंगे। तो हर तरह से हम लोग दिवाली से लेके काली पूजा और छठ तक मुस्तैद हैं, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर लिए हैं, हम लोग पूरी तरह से इस पे चौकस एवं चौकन्ना है। रोहतास के डेहरी से राजद विधायक फतेह बहादुर के द्वारा हिंदू देवी देवता पर लगातार टिप्पणी किए जाने से लोगों में आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिले में अब राजनीतिक संगठन के साथ साथ आम लोग भी एकजुट होकर स्थानीय विधायक का विरोध करने लगे हैं। वही जगह जगह पुतला दहन एवं गांव में प्रवेश पर रोक जैसे बैनर के बाद दरहिट गाँव के लोगों ने मंगलवार को प्रतिकार मार्च से सद्बुद्धि यात्रा निकाली। इस दौरान दरहिट स्थित पुराने शिव मंदिर के समीप सभा को संबोधित करते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने कहा कि डेहरी विधायक मां दुर्गा, श्री राम, गणेश, लक्ष्मी को लेकर दिन प्रतिदिन अमर्यादित बयान देकर सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। साथ ही कहा कि राजद के नेताओं द्वारा अशोभनीय बयान दिया जा रहा है, लेकिन पार्टी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। राजद की पार्टी भाईचारा को खत्म करने का प्रयास कर रही है। पहले उन्होंने मां दुर्गा के ऊपर बोला, बाद में प्रभु श्री राम जी के ऊपर बोला और गणेश जी, लक्ष्मी जी के भी ऊपर उन्होंने बोला। मुझे लगता है कि उनके पास से लक्ष्मी जी जा चुकी हैं। और ऐसे विधायक के बारे में क्या बताएं, हम बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं डिहरी विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्रामीण जनता को। एक डिहरी विधानसभा क्षेत्र में दुर्गापुर गाँव है, उस दुर्गापुर गाँव में विधायक का एक बैनर होर्डिंग लगा के एक जानवर से संबोधित करते हुए उस गांव में प्रवेश वर्जित किया था। उसी तरह आज दरिहट में लोगों ने आयोजन किया है, आज प्रति रोष मार्च और सुदबुद्धि के लिए ये यात्रा निकली है। हम यहां के लोगों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। जो माँ दुर्गे का नहीं हुआ, जो श्री राम प्रभु का नहीं हुआ, जो लक्ष्मी जी गणेश जी पर ऐसे बोलते हैं, वो क्या किसी का भला कर सकता है। और जो भी ये बयान दे रहे हैं, एक चीज जान लीजिए, सोची समझी हुई उनकी साजिश है। ये जिस दल से आते हैं, जिस दल के विधायक हैं, उनके नेता सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी के यादव पर कर रहे हैं। क्योंकि पहले में आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूं कि लालू जी, किसी समय में आपने बैकवर्ड फॉरवर्ड नारा देके उस समय राजनीति में तो आप स्थापित हो गए थे, लेकिन अपने विधायक से ऐसे बयान दिलवा कर आप चाह रहे हैं कि बिहार में उन्माद फैलाए और दूसरे पर लांछन लगाते हैं कि क्या बोलते हैं कि वो दंगा फसाद कराता। अरे दंगा फसाद कराने पर तो आप उतरे हुए हैं, आप बैकवर्ड फॉरवर्ड अपने विधायक से करवाना चाहते हैं और उन्माद फैलाना चाहते हैं। हम पुनः यहाँ की जनता को धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि अभी भी शायद इस मार्च निकलने पर उनको सुदबुद्धि है कि अभी भी बयान देना वो बंद करें। तो क्या आपको लगता है कि लालू यादव मानते हैं माँ दुर्गा को और राम को? वो नहीं मानते हैं तो जान लीजिए कि बिहार में वो दंगा फसाद कराना चाहते हैं, वो दंगा फसाद कराना चाहते हैं और दंगा फसाद करके राजनीतिक मैलेज लेना चाहते हैं वो। देखिए, लगातार हिंदू देवी देवताओं पर और सबके आदरणीय, सबके प्रिय ब्राह्मण समाज पर लगातार डेहरी के वर्तमान के विधायक के द्वारा बयान जो लगातार देखने को मिल रहा है, उसके खिलाफ ये आज पहली बार नहीं, इससे पहले कई दफ़े बहुत ही व्यापक तरीके से विरोध दर्ज हो चुका है। आज उसी के कड़ी में दरिहट के गाँव के लोगों के द्वारा प्रतिकार मसा सद्बुद्धि सभा का आयोजन किया गया था,
एक और जहां शीतकालीन सत्र में अन्य विधानसभा क्षेत्रों के विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों पे बोल रहे हैं, वहां की व्यवस्थाओं पे बोल रहे हैं, वहां की कमियों पे बोल रहे हैं, वहां दूसरी ओर यहां के वर्तमान के विधायक केवल हिंदू देवी देवताओं को अमर्यादित टिप्पणी करने और एक जाति विशेष को ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं, जो कि बेहद ही निंदनीय है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि डेहरी विधानसभा क्षेत्र इतने मुद्दे हैं, उस पर काम करने की जरूरत है। बहुत चीज़ है बोलने को डेहरी विधानसभा क्षेत्र में, अगर उस पर नहीं बोला गया तब तक डेहरी का कल्याण नहीं हो सकता है। देवी देवताओं पे बोलने से अगर विधानसभा क्षेत्र कल्याण होता हो तो सबको बोलना चाहिए था, लेकिन बाकी दलों के नेता, बाकी दलों के विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों की कमियों को दिखा रहे हैं विधानसभा में। वहाँ डेहरी के विधायक लगातार देवी देवताओं पे और ब्राह्मण जाति पे अमर्यादित टिप्पणी करके अपने आप को हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। भागलपुर में पटाखा व्यवसायियों को अभी तक पटाखों के विक्रय करने का लाइसेंस नहीं मिला है, जिससे फुटकर पटाखा व्यापारी परेशान है। इस मामले में फुटकर पटाखा कारोबारी आज सदर SDO धनंजय कुमार से मिलने पहुंचे। इसको लेकर पटाखा व्यापारियों ने बताया कि भागलपुर शहरी क्षेत्र में करीब 5 लाख से अधिक की आबादी है, यहां दीपावली समेत कई त्योहारों और शादियों में आतिशबाजी की जाती है। इसके बाद भी फुटकर पटाखा व्यापारियों को इन्हें बेचने का लाइसेंस नहीं मिला। उन्होंने कहा कि दीपावली में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, इसके बाद भी फुटकर व्यापारियों को अभी तक पटाखे बेचने का लाइसेंस नहीं मिला है। ऐसे में कारोबारियों को समय रहते लाइसेंस नहीं मिला तो उन्हें इस बार कारोबार में भारी नुकसान होगा। होलसेलर वाले को आज से 4 दिन पहले लाइसेंस मिल चुका है और हम लोग यहाँ 200-300 आदमी जितना भी माल लिए हैं सारा उन्हीं से लिए हैं, खुदरा विक्रेता का। और अब हम लोग कहाँ जाए, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा और 2 दिन समय बचा हुआ, ठीक है ना, और कोई भी अफसर हम लोग का कोई सुनवाई नहीं, कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से वहाँ दौड़ा, और हम लोग का कोई समाधान निकालिए जी। पैसा तो फंस गया, कितना आदमी सूद पर, ब्याज पर कर्ज लेके पैसा लगाया, कहाँ जाएगा, मर जाएगा सारा गरीब आदमी, क्या किया जाए। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुर्खीकल मोहल्ले में काली पूजा का चंदा मांगने के दौरान जमकर मारपीट हुई। काली पूजा का चंदा काट रहे लोगों ने गरिमा गारमेंट्स दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और दुकानदार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। वही घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति देखी गई और दोनों तरफ से लोग इकट्ठा होने लगे, जिसकी सूचना पर सिटी DSP अनुमंडल पदाधिकारी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। वही मारपीट करने वाले 8 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिससे थाने में पूछताछ की जा रही है। दुकानदार का कहना है कि वह लोग दुकान में बैठे हुए थे कि कुछ लोग चंदा काटने के लिए आए। दुकानदार ने कहा कि उन लोगों ने चंदा दे दिया है, इसके बाद चंदा लेने आए लोग गाली गलौज करने के साथ साथ मारपीट करने लगे और दुकान में तोड़फोड़ कर दी। इधर पुलिस मोहल्ले में लगे CCTV को देख रही है और हंगामा करने वालों की पहचान की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिया गया अनुचित बयान खूब चर्चा में है। CM के इस बयान पर प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप कल की बात मत कीजिए, कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ और जाते हैं। जो उन्होंने फर्टिलिटी पर बात कही है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई भी सिटिंग CM ने इस तरह की भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर नहीं किया है। ऐसे बयान दिखाते हैं कि नीतीश कुमार की मनस्थिति क्या है और मंदेशा क्या है। प्रशांत ने कहा कि नीतीश कुमार को या तो समझ नहीं है या वो डेल्यूजनल हो गए हैं। तो आप कल की बात मत कीजिए, कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब कल उन्होंने जो फर्टिलिटी पे जो बात कही है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर करे, ये आज तक कोई इसका उदाहरण नहीं है। ये दिखाता है कि इस आदमी की क्या मनोस्थिति है, क्या दशा है, या तो उनको समझ नहीं है या डिल्यूजनल हो गए हैं। मैं अंग्रेजी में रोज कहता हूं डिल्यूजनल हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं और पूरी जनता हंस रही है। अब उनके राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है, 2-4-5-6 महीना जितना दिन खींच कर चल ले, इसके आगे अब चलने वाले नहीं है। पूरे बिहार की जनता रोज देख रही है, सिर्फ एक बयान का मतलब नहीं है। उनकी असंवेदनशीलता, उनकी राजनीतिक हराकिरी, कभी उलट के दाएं कभी उलट के बाएं, आप उनका
वक्तव्य उनका भाषण देखिए, जब राष्ट्रपति आई थी महामहिम के सामने खड़े होकर पोडियम से जब भाषण दे रहे हैं तो कभी कुर्ता उठा रहे हैं, कभी गाल खजुला रहे हैं, कभी बाल बना रहे हैं, मतलब उनको लगता ही नहीं है कि सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर बात करने का जो बेसिक तौर तरीका है वो भी नहीं है। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बैरक में 100 कारतूस चोरी मामले में पुलिस ने देर रात मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भीमकित्ता गांव में सघन छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने रामपुर खुर्द पंचायत के उप सरपंच को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सुल्तानगंज थाना के बैरक से 100 कारतूस, 2 मोबाइल और मैगजीन लेकर थाने में बंद एक नाबालिग चोर फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक पैन गांव में 2 घरों में चोरी की घटना होने के बाद लोगों ने उस नाबालिग को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसके बाद नाबालिग को मौका मिलते ही उसने थाने में ही चोरी कर फरार हो गए। वही मामले की जानकारी मिलते ही विधि व्यवस्था DSP डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में सुल्तानगंज बात और अकबरनगर थाने की पुलिस के द्वारा छापेमारी शुरू की गई। पकड़ाए नाबालिग के पास से पुलिस ने मैगजीन सहित 25 कारतूस बरामद कर लिया। वही उसने पुलिसिया पूछताछ में यह बात बताई कि उसने नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के रामपुर खुर्द पंचायत के उप सरपंच कुंदन चौधरी को बेचा है, जिसके बाद पुलिस ने उप सरपंच के घर की घेराबंदी कर उप सरपंच पति कुंदन चौधरी को जैसे ही गिरफ्तार करना चाहा तो वह मौके से भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने बलों की मदद से उसे धर दबोचा। वही इस मामले में सुल्तानगंज थाना के 2 पुलिस अधिकारी, 5 BMP सिपाही एवं 1 होमगार्ड के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की गई है। बता दें कि रामपुर खुर्द पंचायत के उप सरपंच कुंदन चौधरी का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। उनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट एवं रंगदारी के 3 मामले, विस्फोटक पदार्थ से संबंधित 1 मामले और चोरी से संबंधित 1 मामले दर्ज है। भागलपुर नगर निगम के सभागार में आज आगामी पर्व त्योहार को लेकर बैठक आयोजित की गई। नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय काली पूजा समिति के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। वही दीपावली और महापर्व छठ की तैयारी को पूजा समिति के सदस्यों ने चर्चा की। इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा शहर में पसरी गंदगी का रहा, क्योंकि बीते दुर्गा पूजा त्योहार में भी सफाई व्यवस्था बेहद खराब थी। वही छठ पूजा के दौरान शहर में किस प्रकार से साफ सफाई व्यवस्था की जाए, इसको लेकर नगर आयुक्त ने जानकारी दी, ताकि लोगों को कहीं से भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही शांति समिति के सदस्यों ने छठ घाट में श्रद्धालुओं को समस्या न हो इसके लिए विशेष सुविधा एवं कृत्रिम तालाब का क्षेत्रफल बढ़ाने की मांग नगर आयुक्त से की। आज भागलपुर में जो काली पूजा को लेकर जो केंद्रीय महासमिति है उन लोगों की आम सभा बैठक के उपरांत एक बैठक रखी गई थी। लास्ट बैठक हम लोगों ने शनिवार को की थी, उसमें भी काली पूजा और छठ पर्व की तैयारियों को लेकर सारे सुझाव ले लिए गए थे। कुछ सुझाव अभी जो रह गए थे उसके लिए आज बैठक बुलाई गई। बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों ने अपने अपने सुझाव रख दिए हैं। जो भी मुख्य सुझाव लिए गए हैं उनको लिपिबद्ध कर दिया गया है। हम लोग पहले भी एक ऑर्डर निकाल चुके हैं। जो मुख्य बातें हैं वो सफाई, रोशनी, अतिक्रमण, पेड़ की जो टहनियां हैं उनकी छटाई से रिलेटेड रहेगी, और जो कृत्रिम तालाब को लेकर कंसर्न था उसमें भी हम लोगों का काम चल रहा है। वो बड़े से बड़ा बनेगा, क्योंकि काली पूजा की जो मूर्तियां होती हैं उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, और भागलपुर में ये बृहद रूप से ये मनाया भी जाता है। तो निगम की तरफ से जितनी भी सुविधाएं दी जानी है उसके लिए हम लोग जो है वो तत्पर हैं, और सभी लोगों को आदेश दिया जा चुका है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं और संभवतः हम लोग समय पर सारी चीजें करवा रहे हैं।
सबको मेरी तरफ से काली पूजा, दीपावली, छठ की, महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग अपने नगर निगम से सारी बेहतर सुविधाएं छठ घाट पर आप लोगों को प्रदान करेंगे और खुशी के माहौल में पर्व त्योहार बने, शांतिपूर्ण माहौल में बीते, यही मेरी कामना। भागलपुर के किलकारी में बाल उत्सव 2023 कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें जिले के दर्जनों सरकारी विद्यालय के बच्चों ने हिस्सा लिया। किलकारी में बाल उत्सव के मौके पर कई सांस्कृतिक और स्पोर्ट्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान किलकारी के प्रमंडल अधिकारी अभिलाषा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष हम लोग बाल उत्सव मनाते हैं, जिसमें ज्यादातर सरकारी विद्यालयों के बच्चों को मौका दिया जाता है। बाल उत्सव 2023 हमारा चल रहा है और बाल उत्सव का मुख्य रहता है जैसे बाल दिवस होता है और किलकारी चूंकि बच्चों की संस्था है, 8-16 वर्ष के बच्चों के लिए काम होता है, तो इस बार दिवाली से छठ के बीच है और क्योंकि हम लोग का प्रतियोगिता होता है, सारे विद्यालय बंद होते हैं, इस वजह से थोड़ा पहले हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर लिया है। आज चौथा दिन है और आज विभिन्न डांस प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, एकल ग्रुप, सारा चीज़ है। इसमें स्थानीय पूरे भागलपुर से लगभग गवर्नमेंट और प्राइवेट सारे स्कूल्स के बच्चे होते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को ज़्यादा कवर करें, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है बट सरकारी स्कूल के बच्चों को नहीं मिल पाता है। और हमारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ प्रोफेशनल बच्चे ही आएँ, बिल्कुल ग्राउंड लेवल के जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ आते हैं। आप देख सकते हैं अभी प्रतियोगिता चल रही है, तो उद्देश्य है कि बच्चों को एक मंच अवेलेबल कराएं हम लोग, क्योंकि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और उससे भविष्य में बच्चे जिस भी फील्ड में जाना चाहें उसमें जा सके। तो ये एक रुचि प्रदान करने का कह सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या है ना कि पेरेंट्स का रहता है कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, तो लेकिन आज देख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा भी अभी बहुत सारा बीपीएससी के माध्यम से डांस, म्यूजिक, क्राफ्ट, हर विधा के प्रशिक्षकों का चयन किया गया है और ज्वाइनिंग मिली है, तो हर फील्ड में भविष्य है और किसी भी फील्ड में बच्चे जाना चाहें उसमें बेहतर कर सकते हैं, तो ये भी एक उद्देश्य है और बच्चों को एक अच्छा माहौल देने का प्रयास है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगामी पर्व त्योहार को लेकर बैठकों का दौर जारी, प्रशासनिक अधिकारी गाइडलाइन से करा रहे अवगत। विधायक के विवादित बयान के बाद निकाली गई सद्बुद्धि यात्रा, लोगों ने फतेह बहादुर को माफी मांगने का दिया अल्टीमेटम। दिवाली में पटाखा का लाइसेंस नहीं मिलने से कारोबारी परेशान, फुटकर विक्रेता एसडीओ कार्यालय का लगा रहे चक्कर। जबरदस्ती चंदा मांगने वालों पर दर्ज होगा एफआईआर, दुकानदार ने पुलिस से की शिकायत। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर गरमाई सियासत। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, नमस्कार।